अल्मोड़ा नगर में जीआईसी के पास निर्माणाधीन पार्किंग का अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने निरीक्षण किया। करीब 4,85,00,000 रुपए की लागत से तैयार हो रही पार्किंग के लिए शासन ने 40% राशि पहले फेज में आवंटित की है। इस पार्किंग स्थल में 300 से अधिक टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन होंगे। पार्किंग स्थल के निरीक्षण के दौरान विधायक मनोज तिवारी ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक और समय रहते काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। इसमें पहली किस्त पेयजल विभाग को आवंटित कर दी गई है और काम प्रगति पर है और मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर ये पार्किंग तैयार हो जानी चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। इससे यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी क्योंकि पार्किंग न होने की वजह से सड़क में यातायात लगातार अवरुद्ध हो रहा है, लगातार जाम लगता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जो पार्किंग बन रही हैं उससे निश्चित रूप से देखिए बहुत लंबे समय से जनता की एक मांग थी कि शहर में जो यातायात का दबाव हो गया था और उस यातायात के दबाव को देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, माननीय नगरपालिका अधिकारी मेरे द्वारा और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक शासन को शहर के अंदर कई पार्किंगों का प्रस्ताव भेजा गया था और आवास विकास के माध्यम से पेयजल निगम को 4-5 पार्किंगों का धन आवंटित कर दिया गया है और आज उसका मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है कि काम में गुणवत्ता होनी चाहिए और कितनी वहाँ पर टू व्हीलर आ रहे हैं, कहाँ पर फोर व्हीलर आ रहे हैं। तो इसके लिए आज विभागीय अधिकारी के साथ, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है और विभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि समयबद्ध तरीके निश्चित समय में ये जो बॉन्ड का जो समय है उसमें काम पूर्ण हो जाना चाहिए और उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए।